बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि मेरा गला काफ़ी ख़राब था, खूब शादियाँ अटेंड की और जो है वो खाने पीने में भी एहतियात नहीं हुआ, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। और आज भी वैसे ही एज़ यूजुअल मौसम है, बदली है, बारिश है। मज़े की बात ये हो रही है कि आजकल रात में बारिश हो रही है और दिन में धूप और छांव का खेल हो रहा है। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी फूड पांडा पे, ग्रॉसरी जो उनकी ऐप है उस पर। लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉक है हमारा, उसमें पानी है बाहर सड़कों पर, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर राइड कैंसिल कर दी थी। तो जनाब मुझे लेना तो था ही, तो फिर मैंने कहा चलो फिर ख़ुद ही चलते हैं। और फिर यहाँ पर जब हम पिछली दफ़ा आए थे तो एक मार्ट खुल रहा था और उसका नाम था चेज़ब गुलस्ताने चौहर में। तो उस टाइम उसकी ओपनिंग थी जब हम पिछली दफ़ा आई थिंक फेब या मार्च में आए थे। तो अब वो ओपन हो चुका था। उनका चलो यहाँ करीब में भी वही है और अभी तक हम वहाँ गए नहीं, तो वहाँ पे चलते हैं और जो कुछ लेना है वो भी ले लेंगे और घूम फिर भी लेंगे। तो ये हमने इन ड्राइव से गाड़ी मंगवाई थी और जाते टाइम इसका मुझे रेंट देना था 290 रुपीज़। और अब तक की ड्राइव में मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आज हुआ कि इस बंदे ने 290 ही लिए और 10 रुपीज़ मुझे रिटर्न किए। वरना अब तक जितनी दफ़ा भी मैं राइड पे गई हूँ, या तो मैंने मांगा है कि भैया आप मेरे 10 रुपीज़ वापस करें, या फिर उन्होंने कहा सॉरी मैम हमारे पास कैश चेंज नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है आप रख लें, मज़े करें। तो खैर जनाब फिर हम यहाँ चेज़अप आए और फिर हमने यहाँ से कुछ विंडो शॉपिंग भी की। और
अच्छा, मुझे टॉयज़ में काफ़ी डिफरेंस फील हुआ क्योंकि डॉल्स का जो मटेरियल था बहुत अच्छा था। और जब मैं लाहौर में पॉटपुरी से ख़रीदती हूँ तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, और फिर मुझे उनमें इतने ज़्यादा अच्छा, जैसे जो चीज़ जैसे डॉल्स का हैंड मूव करता है या उनकी फेस पे एक रियल लुक आता है, तो वो मटेरियल जो होता है ना डॉल्स का, मुझे वो नहीं मिल रहा था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मौजूद था। और गर्ल्स के लिए फिर भी सिलेक्टेड चीज़ें थी, लेकिन बॉयज़ के लिए तो वही गन्स कार्स बहुत सारा था। और ये स्टेशनरी में मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं जो हूँ ना साथ साथ ये भी देख रही थी कि मुझे यहाँ रिजनेबल क्या मिल रहा है, और वहाँ शायद एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो काफ़ी चीज़ों में स्टेशनरी में भी मुझे अप एंड डाउन नज़र आया कि यहाँ मुझे थोड़ा सा महंग सस्ता मिला, और वहाँ से जब मैं लेती हूँ पॉटपुरी या HKB या अलफता वगैरह से तो काफ़ी मुझे महंगा पड़ जाता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी और बड़ा अच्छा लगा मुझे लेने में। उसकी वजह यही थी कि चीज़ें काफ़ी रिजनेबल थी, और मैं जब बिल बना तब फिर मुझे एहसास हुआ कि जी हमने रिजनेबल के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा सामान उठा लिया है, लेकिन चीज़ें अच्छी थी नो डाउट। हमारी वापसी हो गई थी, और इस टाइम हो रहे थे शाम के 5:30, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टारगेट था वो सारा अचीव हो गया, यानी कि घूमना फिरना भी हो गया और जो मुझे सामान लेना था मैंने वो भी ले लिया। और वापसी में जो है हमारा किराया बना था, यानी कि गाड़ी का रेंट बना था 350 रुपीज़। और बिलिंग के टाइम पर मैंने कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई
क्योंकि मैं बिलिंग कराने में इतनी मगन थी कि मैं भूल गई कि मुझे यहाँ पर कोई वीडियो भी क्लिप भी बनानी है। और मैं लेकर आई थी जो फ्रोज़न आइटम, उसमें से भी मैंने कहा कि चलो अभी तो आने के बाद तो फिर हमने रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी भाई। और अच्छा तो लगता है घूमने फिरने में, लेकिन मॉल्स वगैरह में या कोई मार्ट में जो है ना चलना बहुत पड़ता है। तो फिर उसके बाद आके हमने रेस्ट टाइम लिया और फिर अभी हम बना रहे हैं बर्गर। और मैं इस तरह से यहाँ वाले किचन के स्टोव पर जो है वो फॉइल लगा के रखी हूँ क्योंकि यहाँ मेरा रेगुलर रहना नहीं होता। और फॉइल लगाने से मुझे आसानी ये होती है कि बस ये गंदा होता है तो आप इसको पूरा उठाएं और डिस्कार्ड कर दें और नया फॉइल लगा दें। पानी की भी बचत है, टाइम की भी बचत है और आपकी चीज़ बिल्कुल न्यू की न्यू रहती है। और यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा मेरी विंडो से हवा आ रही थी जिसकी वजह से मेरा ये वाली विंडो है जिससे इतनी हवा आ रही थी, जबकि मैंने इसका शीशा बंद कर दिया था क्योंकि मेरा हवा की वजह से जो फ्लेम है वो एक साइड पे हो रहा था और फिर मेरी जो फ्राइज़ हैं वो एक साइड से डार्क हो रही थी और एक साइड से पकी नहीं रही थी। तो जनाब खैर सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपनी पेट पूजा करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी और मैं अपना जो ग्रॉसरी हॉल है वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।